पंचायत समिति भदेसर की साधारण सभा की बैठक चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, कपासन विधायक तथा प्रधान सुशीला कंवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विशेष रूप से शिक्षा विभाग का मुद्दा छाया रहा। बैठक में शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी के बजाय लिपिक के आने पर जनप्रतिनिधियों ने रोष जताया। बाद में सीजी व सुनील कुमार सालवी को बुलाया गया। सदन में उपस्थित होने के बाद भासोड़ा सरपंच शंभुलाल सुथार के द्वारा भासोड़ा विद्यालय में मिड डे मील में अनियमितता करने वाले शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर विरोध जताया, जिस पर विधायक आक्या लताड़ लगाते हुए सीपीयू को अति शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की। ग्राम पंचायत नाहरगढ़ के एक विद्यालय में दोनों शिक्षकों को डिपुटेशन कर देने पर भी विधायक ने नाराजगी जताते हुए लताड़ लगाई तथा तुरंत अध्यापकों को यथास्थान लगाने तथा अनियमितता करने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान साधारण सभा में अधिकारीगण एवं विकास अधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। आज पंचायत समिति भदेसर में साधारण सभा की बैठक हुई, उसमें बिजली, पानी, सड़क, खाद और शिक्षा, हमने सरकार के मंत्री से ही बात करी, लेकिन वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मिड डे मील का जो खाना बनता है, अभी भासोड़ा का एक प्रश्न आया था पहले 5-6 महीने भी साधारण सभा की बैठक में हुआ, अखबारों में आई, लेकिन उसकी जांच को लिपापोती कर दी गई। जो इश्यू है भदेसर बैठता है उसने लिपापोती कर दी, जांच नहीं। वो कह रहा था कि मेरे पर ऊपर का कोई दबाव है, इस कारण से मैं जांच पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हमने आज इस सदन में तहसीलदार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की है और वो कमेटी 7 दिन के अंदर अंदर उस मिड डे मील में हुए फर्जीवाड़े की पूरी जांच करके सदन में पेश करेगा, फिर उसके बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे। बाकी सारी बातों पर चर्चा हुई है और सड़क का मामला तो ऐसा है कि सड़कों के काम चल नहीं रहे, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा है, इस हिसाब से ठेकेदार भी काम नहीं करवा रहे हैं। बाकी MLA MP लेड के भी काम की चर्चा हुई है और ये साधारण सभा के अंदर जितने भी मुद्दे उठाए जनप्रतिनिधियों ने उस पर पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाएगी? यदि अधिकारियों ने कोई भी गलत रिपोर्टिंग करी किसी भी जाँच के लिए तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा और इस भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के, मिड डे मील के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के हो सकता है विधानसभा के अंदर इस बात को हम उठा करके इसका सही सत्यापन कराएं। सर, एक मामला है कोटला का, 4 दीवारी के लिए आपकी तरफ से कोटा वो कोटला के अंदर 4 दीवारी हमने विद्यालय के अंदर कम से कम 8 कमरे सेंक्शन किए हैं और वो पूरा बन करके तैयार हो गया। अब 4 दीवारी के लिए भी हमने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है कि DMMT मद के द्वारा इन जो जो काम अधूरे 4 दीवारें हैं, 4 दीवारी के अन्य काम है, विद्यालय के मरम्मत के काम है, पेयजल के काम है, CC सड़कों के काम है, इसलिए हमने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है और शायद हो सकता है वो जल्दी हो। PHD के अंदर भी भासोड़ा के अंदर जो टंकी क्षतिग्रस्त थी उसको तोड़ दी है, उसको भी हमने जिला कलेक्टर को आज पत्र लेकर के मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही मामला अकोला का है, वो टंकी भी गिरा कर नहीं बनानी है। ऐसे ही मामला पवना का है, उसको भी हम करेंगे। ऐसा मामला मानसेन के अंदर भी उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास भी एक जर्जर अवस्था में टंकी है, उसको भी गिराने का बजट पास करा करके इन इन कार्यों को भी हम करेंगे। में सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का आया है, बिजली की लाइटें नहीं मिल पा रही, इसलिए किसान परेशान है। उनकी जो VCR फाड़ी जा रही है, फर्जी बाहर से आके फर्जी VCR फाड़ते, उस विषय में भी लोग परेशान हैं और काफ़ी पानी बिजली की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। सरकार की जो रोडें टूटी हुई है वो रिपेयर नहीं हो पा रही, उस संबंधी रोडें संबंधी बातें भी काफ़ी चर्चा हुई और शिक्षा विभाग संबंधी जो बात हुई है, इन लोगों ने एक स्कूल बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो स्कूल में दो टीचर हैं, दोनों को डेपुटेशन कर दिया। इस प्रकार का यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के BO है उसके पर आरोप लगाया कि इसने पैसे कोटी, लेकिन इनको जो रोड के स्कूल हैं, रोड पर स्कूल हैं, उन पर डेपुटेशन किए जाते हैं। गांव के अंदरूनी जो रोड से अंदर 5-5, 7-7 किलोमीटर अंदर जो गांव है वहां से हटाकर रोड पे इनको लगाने की कोशिश करते हैं और रोड पे उनको लगा रखे हैं और वो स्कूल चल नहीं पा रहे, उसमें तालाबंदी हो रही है। इस प्रकार की बातें भी यहाँ आई है, काफ़ी सरकार में समस्याओं का बातें यहाँ आई है। सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही है, काफ़ी रोडों के खड्डे पड़ रहे हैं, पानी की समस्या है, शिक्षा विभाग में समस्या है, जो शिक्षा विभाग में टीचर की कमी है, इस प्रकार की समस्याएं यहाँ उभर के आई है। और काफ़ी यहाँ स्कूलों में जो खाने का जो स्कीम का जो मैटर है उसमें भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस तरह के काफ़ी सरपंचों ने, भासोड़ा सरपंच ने, काफ़ी सरपंच इस तरह की बातें आई, तो काफ़ी इस तरह की जाँच करने के आदेश भी दिए हैं।
जिन लोगों ने जो किया है इस प्रकार के विचार हम लोग विधानसभा में भी रखेंगे, जहां भी स्थानीय जहां मीटिंग होगी वहां रख के इस बात का निराकरण कराने की पूरी कोशिश करेंगे।